हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बिफोर एज 18 के लिए कम्प्लीटली कोड क्रिएट कर दिए थे। जैसे हम बिफोर एज 18 पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एक्टिविटी सेकंड ओपन हो जाती है एंड इसके बाद में अगेन एक एक्टिविटी ओपन हो जाती है। बट अभी हमने बिफोर एज 18 के लिए अभी कम्प्लीट कोड क्रिएट कर दिए, बट जैसे हम आफ्टर एज 18 पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे एक ब्लैंक एक्टिविटी ओपन होती है। तो अभी हमें आफ्टर एज 18 के लिए कोड क्रिएट करना काफ़ी इजी है, क्योंकि जो हमने बिफोर एज 18 में कोड किया था बस हमको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना होगा आफ्टर एज 18 के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम एक्टिविटी सेकंड टू में चले जाते हैं, क्योंकि हमें जो भी अभी क्रिएट करना है अभी हमें एक्टिविटी सेकंड में नहीं करना है, तो अभी हमें एक्टिविटी सेकंड टू के लिए क्रिएट करना है क्योंकि अभी हम आफ्टर एज 18 के लिए यूज करने वाले हैं। ओके, आपको सबसे पहले एक्टिविटी सेकंड में आना है एंड जो भी हमने कोड यहाँ पे यूज किया था कंट्रोल ए से आपको सब कोड को कॉपी करना है एंड कंट्रोल सी कर देना है। ओके, एंड एक्टिविटी सेकंड टू में आना होगा एंड कंट्रोल ए करना है, सबको सिलेक्ट करना है एंड बैकस्पेस में ऑल कोड रिमूव कर रहे हैं। मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ जो हमने एक्टिविटी सेकंड से जो भी कोड हमने कॉपी किया था। ओके, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। बट आपको ये ध्यान में रखना है जहां जहां सेकेंड एक्टिविटी लिखा है वह आपको सेकेंड एक्टिविटी टू करना है। तो मैं सबसे पहले ऊपर चला जाता हूं, एंड जो जहां जहां आपको सेकेंड एक्टिविटी दिखाई दे रहा है आपको सेकेंड एक्टिविटी टू करना होगा। तो यहां पे एक ही सेकेंड एक्टिविटी है तो मैं यहां पे सेकेंड एक्टिविटी टू कर देता हूं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है एक्टिविटी सेकेंड टू में। अभी हम जाते हैं जावा कोड की तरफ एंड जावा कोड में हम चेंज करते हैं एक्टिविटी सेकेंड का। तो चलिए चलते हैं हम जावा कोड की तरफ। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एंड मैं अभी सेकेंड एक्टिविटी को सबसे पहले ओपन कर देता हूँ एंड मैं सेकेंड एक्टिविटी टू को भी ओपन करता हूँ। आपको सेकेंड एक्टिविटी में आना है, आपको कंट्रोल ए से ऑल कोड को कॉपी करना है, मीन्स पहले सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से एंड बाद में आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है। ओके, एंड सेकेंड एक्टिविटी टू में आना है, कंट्रोल ए करना है, सब कोड को सिलेक्ट करना है एंड बैक स्पेस से रिमूव कर देना है। मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, जो भी हमने सेकेंड एक्टिविटी टू से हमने कॉपी किए थे, सॉरी जो भी हमने सेकेंड एक्टिविटी से कोड कॉपी किए थे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एक्टिविटी टू में। बट आपको ध्यान में रखना है कंट्रोल एफ यहाँ प्रेस करना है सबसे पहले एंड यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी सर्च करना है। तो मैं सर्च कर देता हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे जहां जहां सेकेंड एक्टिविटी है आपको वहां पे सेकेंड एक्टिविटी टू यूज करना है। ओके, तो आप यहाँ पे दो जगह पे सेकेंड एक्टिविटी है तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सेकेंड एक्टिविटी टू एंड नीचे सेकेंड एक्टिविटी टू। आपको यहाँ पे अभी थर्ड एक्टिविटी टू यूज करना होगा। ओके, बट आपको ध्यान में रखना है थर्ड एक्टिविटी अभी तक हमने क्रिएट नहीं की, तो अभी हमें थर्ड एक्टिविटी टू क्रिएट करनी होगी। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से नेम को एंड पैकेज नेम में क्लिक कर देता हूँ, इसमें राइट क्लिक कर देता हूँ, न्यू पे क्लिक कर देता हूँ एंड एक्टिविटी में चला जाता हूँ। एक्टिविटी में जाने के बाद मैं एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ एंड जो भी हमारा नेम था थर्ड एक्टिविटी टू मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो अभी हमारा थर्ड एक्टिविटी टू क्रिएट हो रहा है। तो अभी हमारा थर्ड एक्टिविटी टू क्रिएट हो चुका है। अगेन मैं यहाँ से थर्ड एक्टिविटी को ओपन कर देता हूँ एंड जो भी हमारा थर्ड एक्टिविटी में कोड है इसको आपको कॉपी करना होगा कंट्रोल ए से, सॉरी यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको सबसे पहले आपको थर्ड एक्टिविटी में क्लिक करना होगा, यहाँ पे कंट्रोल ए क्लिक करना होगा एंड बाद में आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा। आपको अभी थर्ड एक्टिविटी टू में चले जाना होगा। जैसे आप थर्ड एक्टिविटी टू में जाओगे आपको कंट्रोल ए करना होगा एंड बैक स्पेस से जो भी हमारा कोड है उसको रिमूव करना होगा एंड मैं अभी कंट्रोल वी कर देता हूँ यहाँ पे एंड जितना भी कोड हमारा थर्ड एक्टिविटी में था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। बट आपको ध्यान में रखना है अभी कंट्रोल एफ यहाँ पे प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको थर्ड एक्टिविटी लिख देना है। मैं लिख देता हूँ थर्ड एक्टिविटी एंड जहां जहां थर्ड एक्टिविटी है आपको थर्ड एक्टिविटी टू कर देना है। ओके, तो मैं चेंज कर देता हूँ सब जगह थर्ड एक्टिविटी टू। अगेन आपको स्क्रोल करना है एंड जहां जहां थर्ड एक्टिविटी दिखाई दे रहा है आपको वहां आपको थर्ड एक्टिविटी टू यूज करना है। मैं यहाँ पे भी थर्ड एक्टिविटी टू को यूज कर देता हूँ एंड नीचे भी।
तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। हमारे जहाँ जहाँ इस एक्टिविटी में थर्ड एक्टिविटी यूज़ किया था, हमने थर्ड एक्टिविटी टू में चेंज कर दिया। आपको ये ध्यान में रखना, आपको एक्टिविटी सेकंड टू में आना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में ओपन होना होगा। तो ओपन होने के लिए सबसे पहले आपको थर्ड एक्टिविटी पे काम करना होगा। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ थर्ड एक्टिविटी पे। एंड थर्ड एक्टिविटी में जाने के बाद आपको जो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्टिविटी, वो आपको यहाँ पे टू टू करना है। ओके, मैं सब पे टू टू क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी लेआउट फाइल क्रिएट नहीं की है। तो हमें सबके लिए एक एक, जो भी हमारे 15 एक्सरसाइज है, हम सबके लिए एक एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले इस सबको टू टू लगा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने सब पे अभी टू टू यूज कर दिया। अभी हमें सबके लिए एक एक लेआउट क्रिएट करनी होगी। तो मैं इस नेम को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से, एंड लेआउट में जाके इस नेम की मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ। मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, लेआउट रिसोर्स फाइल, एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हो एक्टिविटी बोर्ड टू हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी हमें सबके लिए एक एक क्रिएट करना होगा। तो मैं सबके लिए एक एक क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने सबके लिए अभी कोड क्रिएट कर दिया एक्टिविटी में। एक्टिविटी बोर्ड टू फाइल कर क्रिएट कर दिया, एक्टिविटी ब्रिज टू, अभी हमने सबकी फाइल क्रिएट कर दी है। अभी हमें सबसे पहले एक्टिविटी बोर्ड टू में जाना होगा, एंड यहाँ से आपको एक्टिविटी बो ओपन करना होगा। तो मैं सबसे पहले सबको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज अदर को, एंड एक्टिविटी बो को मैं ओपन कर देता हूँ। आपको अभी क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है, कंट्रोल ए करना है, सभी कोड को सिलेक्ट करना है, एंड कंट्रोल सी से कॉपी करना है। ओके, एंड एक्टिविटी बो टू में चले जाना है, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल ए, बैकस्पेस से कोड को रिमूव करना है, कंट्रोल वी कर देना है। ओके, आपको सभी इसमें ऐसे ही स्टेप करने हैं। सबसे पहले आपको थर्ड एक्टिविटी में जाना होगा, अगेन थर्ड एक्टिविटी टू में, एंड ब्रिज को ओपन करना होगा, एक्टिविटी ब्रिज को, एंड एक्टिविटी ब्रिज में जाना होगा, इस भी कोड को कॉपी करना होगा, एक्टिविटी ब्रिज टू में पेस्ट करना होगा। ऐसा आपको एक एक करके पेस्ट करते जाना है। अगेन आपको थर्ड एक्टिविटी में जाना होगा, चेयर को ओपन करना होगा, जो भी आपकी फाइल है। अगेन आपको जो चेयर हमने पिछले इसमें क्रिएट किए थे बिफोर एज 18 के लिए, आपको इसका कोड कॉपी करना होगा। तो मैं आ चुका हूँ एक्टिविटी चेयर में, एंड इस कोड को एक्टिविटी चेयर टू में पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूं। अगेन आपको चाइल्ड में जाना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, एंड जो भी हमारा एक्टिविटी चाइल्ड टू है यहां पे आपको पेस्ट करना होगा। ओके, तो मैं पेस्ट कर देता हूं सब कोड को। तो अगेन हम एक्टिविटी कोबलर में चले जाते हैं, एंड सभी कोड को जो भी हमारा कोड है यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं। आपको कोबलर में आना होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करना होगा, एंड यहाँ पे सभी कोड को पेस्ट करना होगा। तो मैं सबके लिए यहाँ पे अभी कोड कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हो मैंने सभी के लिए यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया, बस मैंने सभी को ओपन कर दिया एंड जो जो हमने एक्टिविटी सेकंड के लिए क्रिएट किया था मैंने एक्टिविटी सेकंड टू में पेस्ट कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ अगेन एक बार, आपको थर्ड एक्टिविटी में जाना है एंड जो जो इसका कोड है सभी का कोड इसमें पेस्ट करना है। ओके, जो भी आपको दिखाई दे रहा है थर्ड एक्टिविटी में एक्टिविटी इसमें आपको पेस्ट करते जाना है। तो देख सकते हो मैंने सभी के लिए कोड क्रिएट कर दिया है। अभी हमें सबसे पहले अपने डिवाइस को कनेक्ट करना होगा प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। मैं आपको अभी एक बार कोड समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले मेन एक्टिविटी में आना होगा। तो मेन एक्टिविटी में हमने पास कर दिए थे बटन टू। तो देखो बटन टू मीन्स हमने, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एक्टिविटी मेन। जैसे हम बटन टू पे क्लिक करेंगे, बटन टू मीन्स हमारे आफ्टर एज 18 पे, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हम आफ्टर एज 18 में क्लिक करेंगे मीन्स बटन टू पे क्लिक करेंगे या फिर आफ्टर एज 18 पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट सेकेंड एक्टिविटी टू में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको सेकेंड एक्टिविटी टू में लेके जाता हूँ। ठीक है, जैसे हम सेकेंड एक्टिविटी टू पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा थर्ड एक्टिविटी में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे, सेकेंड एक्टिविटी टू डॉट दिस थर्ड एक्टिविटी टू डॉट क्लास। ओके, तो हम थर्ड एक्टिविटी में चले जाएंगे एंड थर्ड एक्टिविटी में जाने के बाद हमने जो भी यहाँ पे क्रिएट किया है एक्टिविटी बोर्ड टू एक्टिविटी ब्रिज टू आप यहाँ पे कर सकते, मींस हमारी जो भी लेआउट होगी विजिबल हो जाएगी। अगर सपोज आपको चेंज करना है एक्टिविटी मींस आफ्टर एज 18 के लिए अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, बट मैंने अभी शॉर्टकट में आपको कॉपी एंड पेस्ट करके बताया। अगर आफ्टर एज 18 के लिए आपको कोड चेंज करना रहा तो आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, हम एक्टिविटी सेकेंड टू में चले जाते हैं। सपोज आपको यहाँ पे डिफरेंट कोई भी एक्सरसाइज यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो एक्टिविटी टू के लिए या फिर आफ्टर एज 18 के लिए। अगर आपको इस भी साइकिल को चेंज करना रहा तो आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। तो अभी हम अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो भी कोड था एक्टिविटी टू का एंड थर्ड एक्टिविटी टू का अभी हमारा रिमूव हो चुका है मीन्स कंप्लीट हो चुका है। तो आप अभी देख सकते हो मेरा मोबाइल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं एंड थोड़ी देर में हमारा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश एंड थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो जाएगा। तब तक हम वेट करते हैं इंस्टॉल फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिम्बॉल आ चुका है इंस्टॉल का, जो डॉट दिखाई दे रहा है आपको योगा डेमो ऐप में। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने ऐप लॉन्च हो रहा है। लॉन्च होने के बाद आपके सामने स्प्लैश स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अभी दो ऑप्शन, हमने तो ये पिछले इसमें क्रिएट किया था बिफोर एज 18। मैं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे सामने एक एक एक्टिविटी ओपन हो रही है। ओके, बट अभी हमने आफ्टर एज 18 के लिए कोड क्रिएट किया है, तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके लिए भी हमारा कोड कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका। तो इस तरीके से आप अपने आफ्टर एज 18 के लिए भी कोड क्रिएट कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले जो न्यूट्रिशन और टिप्स जो एक्टिविटी है हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम किसको क्रिएट करने वाले हैं। मैं योगा डेमो आपको जो हम क्रिएट करने वाले हैं इसको ओपन करके बता देता हूँ सबसे पहले। जैसे हम न्यूट्रिशन और टिप्स पे क्लिक करने वाले हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ओके, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके सामने ऐसा जो भी ऐप है ऐसा इंटरफेस होगा एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले हम एक वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं एंड सेकेंड वीडियो में हम डिटेल एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप गाइस जो भी मैंने आपको आज समझाया आफ्टर एज 18 के लिए कोड वो समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना एंड हम इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।